तेल से हो सरसों का। बचपन में हम लोग सभी मैगी बनाते थे, आप लोगों ने भी जरूर बनाया होगा। 2 मिनट कहते हैं, 2 मिनट में बनता नहीं है, 10 मिनट लगेगा। कुमाऊं के लोगों को बहुत ज़्यादा भूखा रखा गया है यहाँ पे। जितना सुंदर प्लेस है आपको दिन में देखने को मिलता है ना, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि रात में ये किस हद तक गिर जाता है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है कमल दामी और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के सबसे सुंदर शहर मुनस्यारी से गाइज, जिसका व्यू आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं। बाकी यार गाइज अभी टाइम हो रहा है सुबह का ऑलमोस्ट 7:30 और हमारी तैयारी अभी चल रही है नहाने की। गाइज अभी यहाँ पे ना बहुत ज्यादा ठंडा है, तो 2-3 दिन से हमने नहाया नहीं है और अभी जा रहे हम वही नौले पे जो आपने कल की वीडियो में देखा होगा, और ये बाल्टी और ये लेके जा रहे हैं वहाँ पे जाके हम थोड़ा सा पानी वानी गर्म करेंगे, बाकी बैक साइड में नहीं भाई जा रहे हैं। तो यार बॉयज अभी फिलहाल हम आ चुके हैं नौले पे, बाकी यहाँ पे मैंने पानी भरने के लिए लगा दिया बर्तन और नेगी भाई यहाँ पे चूल्हे की तैयारी कर रहे हैं। अभी कुछ ही देर में यहाँ पे आग वाग जलाएंगे, उसके बाद पानी गर्म करके फिर नहाएंगे यहाँ पे। फाइनली ना काफी टाइम हो गया, मतलब 1-1.5 घंटा हो गया समथिंग, अभी तक पानी गर्म नहीं हो रखा और बैक साइड में पानी भर रहा है। बाकी यहाँ की कुछ सफाई वगैरह मैंने कर ली है जो कि आपने टाइम लेप्स में देखा होगा, और यहाँ पे ना बॉयज पानी भी गर्म हो रहा है, इसको ही काफी टाइम हो गया, अभी तक गर्म नहीं हो रखा है। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत गर्म हो गया इससे मैं नहा लेता हूँ, नेगी भाई को नहलाते आज ठंडे पानी से। हाँ ये तो फाइनली यार बॉयज 3 दिन के बाद तुम्हारे धामी भाई ने फाइनली नहा लिया है, और अब जाके हम करते हैं खाने वाने की तैयारी, उसके बाद देखते हैं यार ऊपर का टूर भी करेंगे, मतलब यहाँ से कुछ किलोमीटर 1-2 किलोमीटर दूर है शायद ऊपर साइड को, मतलब जो जो भी नाम है जगहों के नाम सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। बाकी अगर आपको भी कभी आना है ना यहाँ ट्रैवल करने के लिए, तो उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से आपको कौन सा रूट पकड़ना है और स्टे के लिए क्या चीज़, सब कुछ अगली वाली वीडियो में डिटेल में बताऊंगा आपको। यार भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम कुछ ट्रिप भी प्लान कर रहे हैं, तो हम ट्रिप के लिए हो चुके हैं रेडी। बाकी ये मैं हूँ और ये हमारे कार, मजाक कर रहा हूँ, ये नेगी भाई है, नेगी भाई ने भी गर्म कपड़े पहन लिए, और मेरा हुलिया अगर आप देखेंगे ना जैसे कि आप मिरर में देख पा रहे होंगे, एकदम बॉडी बिल्डर लग रहा हूँ आज मोटे मोटे कपड़े पहन के, यहाँ ठंडा इतना ज़्यादा हो रहा है। एक्चुअली मैंने कैप भी पहनी थी बट कैप में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है मेरे को, तो कैप नहीं पहनी गई गाइज मैंने। तो यार बॉयज अभी टाइम हो रहा है दिन का ऑलमोस्ट 11:37 और हम निकी भाई के घर से लगभग 1.5-2 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं ऊपर की ओर। बाकी यार गाइज आपको यहाँ पे एक लोकेशन से रूबरू कराऊंगा, यहाँ पे ना निकी भाई के पूर्वजों का एक घर है यहाँ पे जो कि आज से लगभग 200-300 साल पुराना है, और इस घर के पीछे काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी कहानियाँ हैं जो कि आपको आगे वीडियो में देखने को भी मिलेंगी, और इसके बारे में डिटेल से बताऊँगा। तो सबसे पहले उस प्लेस को विजिट करवाता हूँ, उससे पहले आप यहाँ के नज़ारों को इन्जॉय कीजिए बॉयज। तो यार चलिए बॉयज स्टार्ट करते हैं इस 300-400 साल पुरानी रहस्यमयी नेगी भाई के पूर्वजों के घर है, इनकी रहस्यमयी बातों से रूबरू कराऊंगा आपको, जो कि आजकल के ब्लॉगर जो है ना जो फेमस जगहों की ब्लॉग देते हैं आपको, मतलब वहीं की हॉन्टेड प्लेसों के बारे में बताते हैं, बट यहाँ पर अध्ययन भी जरूरी है क्योंकि गाय इतनी दूर दराज क्षेत्रों में ना कोई इतनी आसानी से आ नहीं पाता और यहाँ पे जल्दी से कुछ बता नहीं पाता। बाकी गाय इस घर के अंदर एंटर करते हैं। पुराने टाइम पे बताया जाता ना कि जब गोरखा और कुमाऊं में जब युद्ध छिड़ा था कुमाऊं के राजाओं के बीच में, तो उस टाइम पे ना कुमाऊं के लोग नीचे से ऊपर को भागे थे, तो उस टाइम पे गोरखा लोगों ने उनको यहाँ पे बंदी बनाया था और काफी दिन तक यहाँ पे इनको तड़पाया गया और बहुत बुरी सजा दी गई। उस टाइम पे कुमाऊं के लोगों को बहुत ज्यादा भूखा रखा गया यहाँ पे, यहीं पे कुछ कुमाऊं के लोगों ने दम तोड़ दिया था गाइज, जिसका व्यू मैं आपको पूरे चारों ओर से दिखाऊंगा इस घर का। कुछ लोग जो बचकर भागने में सक्षम हुए थे उन लोगों ने भी बाद में ऊपर पे एक प्लेस पड़ता है वहाँ पे फांसी लगा के आत्महत्या कर दी, मतलब बिकॉज उनके पास खाने के लिए कुछ भी चीजें नहीं थी, और यहाँ से नेपाल बॉर्डर और चाइना बॉर्डर काफी ज्यादा क्लोज पड़ता है, इसकी वजह से गोरखा और कुमाऊं के बीच में बहुत जल्दी यहाँ पे युद्ध छिड़ गया था। बाकी यार गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं काफी ज्यादा सन्नाटा छाया हुआ है चारों तरफ, क्योंकि यहाँ पे ना आजकल गांव का कोई भी बंदा एंटर नहीं करता है बिकॉज ये काफी ज्यादा डरावना क्षेत्र है, और रात में यहाँ से बुरी आवाजें भी सुनाई देती है और कई ज्यादा डरावनी चीजें इधर पे देखने को मिलती है, और इसके बारे में अभी बहुत ज्यादा अध्ययन करना जरूरी है। तो यार बॉयज जितना सुंदर प्लेस है आपको दिन में देखने को मिलता है ना, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि रात में ये किस हद तक गिर जाता है। प्लस यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया जो कि पास में ही रहते हैं, उन्होंने बताया कि ये इस प्लेस से ना रात में काफी ज्यादा डरावनी आवाज आती है, और भी बहुत सारी रहस्यमयी बातें हैं यहाँ के बारे में, और माना जाता है कि जो कोई भी रात को यहाँ पे भटकता है ना उसको यहाँ के जो मरे हुए लोग थे ना वो डराते हैं और उनको उसको अपने वश में कर लेते हैं, और काफी ज्यादा पंडितों को बुलाने के बाद बड़ी मुश्किल से उसका छल जाता है, अदरवाइज यहाँ के भूत ना उनको बहुत ज्यादा डरा
देते हैं। बाकी यार गाइज, अब मैं आपको यहाँ से उस प्लेस में लेके चलता हूँ जो कि यहाँ के लोग बच के ऊपर को भागे थे, तो अंत में उन्होंने वहाँ पे तालाब से नीचे कूद कर सुसाइड कर लिया था। उस प्लेस में आपको लेके जाऊंगा। तो यार भाई, ये रहा उस तालाब का व्यू जहाँ पे कि काफी ज्यादा लोगों ने जो बच गया था नीचे से, उनने आके यहाँ पे सुसाइड कर लिया था बिकॉज उनके पास खाने के लिए कोई भी आइटम नहीं था। तो उन लोगों के पास एक ही ऑप्शन था, लास्ट सुसाइड करना, क्योंकि ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें भूख के मारे बंदा तड़प रहा हो। तो उसकी वजह से उनने यहाँ पे सुसाइड कर लिया। आज भी यहाँ पे शायद से वो लोग डराते होंगे या फिर कुछ ऐसा सीन होगा, बट आजकल तो ना गाइस ये तालाब पूरा सूख चुका है। इस टाइम लोगों का मानना ये था कि अगर ये तालाब उस टाइम पे टूट जाता ना तो पूरा गांव यहाँ से तबाह हो सकता था। तो यार वाइज, पूरा हॉन्टेड प्लेस जो हॉरर प्लेस था ना वो एक्सप्लोर करने के बाद अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे जंगल में एक जगह पे लकड़ियाँ लेके, बिकॉज हम घर से ना मैगी वैगी लेके आए थे दिन में भूख लग जाएगी करके, क्योंकि टाइम अभी ऑलमोस्ट हो रहा है 12:30, तो हम यहाँ पे मैगी वैगी बनाएंगे, लकड़ी लेके जा रहे हैं। बाकी नेगी भाई लोग ऑलरेडी वहाँ जा चुके हैं ये जो पत्थर है ना इसके किनारे पे, तो मैं भी चलता हूँ। बड़ी मुश्किल से आग जली है, अभी हम लोग बनाने वाले हैं मैगी। मेरा तो बनाना भाई, ऊपर से लड़ रहे हैं हम दोनों। और यहाँ पे एक बंदा है, उसकी शक्ल नहीं दिखानी है तो हम नहीं दिखाएंगे, शक्ल गंदी है बस। लाओ तेल दो, तेल तेल। गैस, किस किस को याद है बचपन में हम, मतलब बचपन में हम लोग सभी मैगी बनाते थे। आप लोगों ने भी जरूर बनाया होगा अपने गाँव में, कॉमेंट में बताना किस किस ने बनाया है। सभी ने तो बनाया होगा, जितने पार के बंदे। तेल दो, बुला लोगो। ऑयल कहाँ है? ऑयल ये गाइस देखो, ये तेल, ओ माय गॉड, सिनेमैटिक में लेना इसको तो। सिनेमैटिक में गाइस, और डाल तेल, तेल्स तेल्स यो सरसों। ये देखो ये गरम हो रहा है। अरे उस्ताद जल्दी काटो यार, प्याज यार कहां कट रहा है उस्ताद? देखो और डालना तेल, इससे कुछ नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि तीन मैगी है। तीन है? हां, टमाटर तो मियां लो ब्रो। और इससे वो क्या लगाना ला पियो? चॉपस्टिक है? चॉपस्टिक आपका? चॉपस्टिक बनाना पड़ेगा। ये गलत छीन लगा ले मैं। और दी है ये मैगी बना रही मस्त। दो मिनट नूडल, दो मिनट कहते हैं, दो मिनट में बनता नहीं है, 10 मिनट लगेगा। गाय देखो ना कलरफुल लग रहा है। आहा, मजा आएगा यार आज तो। जंगलों में खाने का मजा तो और होता है, घर पे कितना भी अच्छा खाना बनाए ना, यहाँ कुछ भी खाए टेस्टी लगता है बहुत ज्यादा। तो गाइस ऑलमोस्ट मैगी बनने वाली है, आई थिंक बनी गई है मैगी। देखो कितना कलरफुल लग रहा है, वाह। घर का टेस्ट और यहाँ बनाने का टेस्ट बहुत बहुत अलग है। यहाँ अगर गंदा भी बनाओगे ना फिर भी टेस्टी होता है। आपका ब्लॉगर लगा पड़ा है बेचारा बनाने में। ओहो, कैसा लग रहा है? ये मैगी है, ये पता नहीं कौन सी वाली मैगी है, आई थिंक आटे वाली है ना। आटे वाली मैगी है, फैब डिश, पता नहीं कौन सी फैब डिश कंपनी है। होगी रेडी, निकालो अब, बन गई मैगी, बन गई होगी। बिल्कुल यार, वाह वाह वाह, ब्लॉगर भैया एक बार दिखा दो क्लोज से। वाह क्या लग रही मैगी, मजा आ रहा है। चलो यार लेट्स एंजॉय, खाते हैं अब। मेरी मैगी है सबसे ज्यादा मैंने खाया, और ये इस बंदे की मैगी है, खाया नहीं हो रहा गाइस। ये यहाँ पे मस्त आग जला रखी है बस, और कोई हमारे साथ दीदी, दीदी जी हैं के तो खा दे रही हूँ उसे। कैसा लग रहा है सर, हाउ यू फील? एक नंबर, इंटरेस्टिंग, मजा आ रहा है। अच्छा मैगी कैसी बनी है? मैगी एक नंबर, नमक ज्यादा तो नहीं है? नहीं। अच्छा परफेक्ट, बैठो बस खाया नहीं हो रहा। मैगी खाते हुए इन हसीन नजारों को देखो, क्या लग रहा है। गाइस खाना खा के हम लोग अभी जा रहे हैं घर को, तो बाकी ये बताएंगे भैया।
तो यार गाइस अभी बारिश वारिश काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है और हम लोग घर को जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इस ब्लॉग को यहीं पे क्लोज करते हैं। होप करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आता है तो इस ब्लॉग को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए बॉयज़। बाकी कल मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।